Hello students, this is Sushant Pandey. In this chapter we will understand about the gender, religion and caste. As gender, religion and its caste, it's your uh, civics uh, chapter number 4 in which uh, we will first understand about the gender, uh, uh, what is gender and how the religion is divided and how the caste is affecting the whole country. so how the caste system is spread in all over the country and what's its impact so if we understand uh, three kind of social differences we will understand in this chapter that can take the form of social division social difference से social division आता है ये हमने पढ़ा भी था social difference यानी सामाजिक जो भिन्ताएं हैं उसे सामाजिक विभेद आते हैं and inequalities और असमंताएं आती हैं इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ़ द डिवीज़न इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेसड इन पॉलिटिक्स और इस तरह से जैसे सोशल डिवीज़न है महिला पुरुष तो किस तरह से इसका पॉलिटिक्स में यूज होता है और इस पॉलिटिक्स में इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है पहला अगर हम बात करें जेंडर एंड पॉलिटिक्स की तो जेंडर और पॉलिटिक्स ये कहता है कि लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न अगर हम जेंडर डिवीज़न करते हैं तो हम जानते हैं सब कुछ कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायर सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर बट इज़ रेयरली रिकोगनाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वैसे ये हमेशा देखा जाता है लेकिन शायद ही इसको पॉलिटिक्स में कहीं भी रिकोगनाइज किया जाता हो द जेंडर डिवीज़न टेंट्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिवीजन जो है टेंस टू बी अंडरस्टूड इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये प्राकृतिक है और अनचेंजेबल है और ये बदला नहीं जा सकता आप सब जानते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ है दिस इज रिफ्लेक्टेड बाई सेक्शुअल डिविजन लेबर है ना तो द रिजल्ट ऑफ दिस डिविज़न इज दैट ऑल दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पब्लिक पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज ऑल द वूमेन वैसे अगर देखा जाए तो दे वुमेन जो है हाफ ऑफ द ह्यूमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं है ना अगर देखा जाए तो मानवता इनसे हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी इन्हीं से होती है देयर रोल इन पब्लिक लाइफ उनका जो रोल uh, है है ना वो पब्लिक लाइफ में स्पेशली पब्लिक पॉलिटिक्स में बहुत कम है है ना उनका जो अभिनय है वो पब्लिक पॉलिटिक्स में बहुत कम है अर्लियर मैन वर्क अर्लियर मैन बर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स पहले क्या होता था कि मैन बर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स पहले तो ऐसा होता था, था कि सिर्फ आदमी ही अलाउ होते थे ओनली मैन बर अलाउड ग्रेजुअली वुमेन ऑल्सो ऑर्गेनाइज धीरे धीरे क्या हुआ महिलाओं ने संघर्ष किया फ्रेंच रिवोल्यूशन आपको याद ही होगा ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंड एजुटेटेड देयर राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड है ना धीरे धीरे क्या हुआ कि महिलाएं अपने आप को संगठित करती हैं और अपने अधिकार के प्रति सजगता जो जाहिर करती हैं और पूरे विश्व में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं जैसे आजकल एक छोटा सा वो फेमस है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ टाइप की बात इन कंट्रीज़ लाइक स्वीडन नॉर्वे एंड फिनलैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई है ना कंट्रीज़ लाइक स्वीडन स्वीडन में नॉर्वे में फिनलैंड में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई जो वूमेन का पार्टिसिपेशन था पब्लिक लाइफ में आम जीवन में वो कैसा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं और सफ़र कर रही हैं किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन का उनके साथ भेदभाव किया जाता है चाहे आपका अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन मेड सिंस इंडिपेंडेंस वैसे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होने के बाद है ना मतलब जब से स्वतंत्रता प्राप्ति की गई है तब से हैज़ बीन मेड सिंस इंडिपेंडेंस जो मैन हैं आदमी लोग हैं डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट उनके अंदर कुछ बदलाव आए हैं और इज स्टिल अ प्रैक्टिकल सोसाइटी आवर्स इज स्टिल अ प्रैक्टिकल सोसाइटी है ना पैट्रियरल सोटा सोसाइटी तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग अभी भी जो हमारी समाज जो समाज है वो मानव मतलब वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है है ना द लिटरेसी रेट इज फिफ्टी फोर परसेंट एमंग वुमेन एंड सेवेंटी सिक्स परसेंट एमंग मैन ये क्या दर्शाता है कि लिटरेसी रेट 54 परसेंट है वुमेन का लेकिन वहीं मेन का कितना है 76 सिक्स परसेंट सिमिलरली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ़ गर्ल्स गो फॉर हायर स्टडीज़ और इसी प्रकार छोटी कम मात्रा में जो गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ़ गर्ल्स गो फॉर हायर स्टडीज़ बहुत कम मात्रा में जो है लड़कियां हायर स्टडीज़ करना कर पाती हैं मतलब करने जा पाती हैं आप देखेंगे कि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि लड़कियां हैं इनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा कल को इनकी शादी हो जाएगी अपने घर चली जाएंगी तो जो पर्सन है वो अपनी लड़की को पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है जितना कि लड़के को लेकिन आज के टाइम में चीज़ें बदली हैं आज के टाइम में लोगों के माइंड बदले हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो भारत में प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन महिलाओं की जो मतलब प्रोपोर्शन है हिस्सा है इन लेजिस्लेचर है ना मतलब विधायिका में जो विधानसभा हुआ या इन सब में इनमें इनका जो प्रपोशन है बहुत कम है बहुत कम है वेरी लो इंडिया इज एमंग बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया जो है बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस मतलब कई ढेर सारे कंट्रीज़ में इंडिया बहुत नीचे से आता है इंडिया इज बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज इवन लेजिस्लेचर में जो प्रपोशन है इंडिया का उसमें इंडिया इज़ बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया जो है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के भी प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट अब जो लेजिस्लेचर यानी विधायिका में जो इनका स्थान है इंडिया में वो बहुत कम है और इंडिया इज अमंग बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन वर्ल्ड विश्व में इंडिया का जो पोजीशन है वो नीचे से बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन है नीचे से आता है इंडिया इज़ बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जो है कई डेवलपिंग कंट्रीज़ के पीछे चल रहा है इस मामले में आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो चार्ट है वो बताता है कि इंडिया की कंडीशन क्या है ना नीट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट बाई रीजन आप देखेंगे सेंट्रल एशिया यूरोप और सेंट्रल एशिया तीन यहाँ पर ईस्ट एशिया यहाँ पे ना नाइनटीन नाइन्टी टी टू थाउजेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी नाउ ईस्ट एशिया और ये रहा साउथ एशिया सो वी आर इन दिस नाइनटीन में से थी दो हजार है और दो हजार दस आते थे ये है, ग्रीन वाला तो इन इंडिया अमंग बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड इज बींग बिहाइंड सेवल डेवलपिंग कंट्रीज हम बात करते हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की महिलाओं का जो भागीदारी है वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज एक इसका तरीका ये है कि कानून बना करके है ना कानून के हिसाब से फेयर प्रपोशन महिलाओं को मिलना चाहिए उनका एक कैटेगरी तय कर दिया जाए उनका एक परसेंटेज एक रिज़र्वेशन तय कर दिया जाए जो कि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने तय कर रखा है और आज से नहीं बहुत सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि महिलाओं को एक रिज़र्वेशन का एक मतलब लेजिस्लेचर में जाने के लिए इतनी सीट सिर्फ महिलाओं की होगी अगर इतना परसेंट सिर्फ महिलाओं का होगा

दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल ये जो डिविजन है वो यूनिवर्सल नहीं है पहली बार मतलब सामान्य नहीं है यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज ट्रॉस द वर्ल्ड लेकिन रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है अन लाइक जेंडर डिफरेंसेज द रिलीजियस डिफरेंसेज आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स जेंडर को अगर हटा दिया जाए तो जो डिफरेंसेस हैं जो भिन्नताएं हैं एंड द रिलीजियस डिफरेंसेस और जो धार्मिक भिन्नताएं हैं एंड द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफ एंड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स यानी रिलीजियस डिफरेंसेस यानी जो धार्मिक भिन्नताएं हैं जेंडर डिफरेंसेस यानी जो उसके लैंगिक भिन्नताएँ हैं आर ऑफ एंड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इसको लगभग लगभग फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स की फील्ड में अक्सर इसका उपयोग होता है ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर गुड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिंग ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज कह रहा है कि ये जो है ह्यूमन राइट ग्रुप कहता है इन आवर कंट्री हम आर गुड उसने अपनी बात रखी और कहा कि मोस्ट ऑफ विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट्स बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो राइट्स जब दंगा हुआ था तो कम्युनल राइट के टाइम पे मोस्ट ऑफ़ द विक्टिम जो है वो मौजूद थे इन और कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और वो ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रिलीजियस माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं तो जो ये वोमेंस मूवमेंट movement था उसने मतलब लोगों ने आर्गू किया दैट फैमिली लॉज ऑफ़ द ऑल रिलीजस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन ह्यूमन राइट्स वालों ने भी ये बात कहा मानवाधिकार वालों ने भी कहा कि कई ऐसे विक्टिम्स हैं जो कम्युनल दंगों में शामिल थे और कंट्री फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वो कहीं ना कहीं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं दूसरी चीज़ वुमेन मूवमेंट हैज़ आर्गूड महिलाओं ने महिलाओं के जो आंदोलन थे उसमें क्या आर्गू हुआ कि फैमिली लॉ जो बनाए जाते हैं जो परिवार से रिलेटेड नियम होते हैं ऑफ ऑल रिलीजियस सभी धर्मों के डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन कहीं ना कहीं वो आ, महिलाओं के विरोध में बात उसमें रहती है भेदभाव की बात रहती है महिलाओं से ऑल दीज इंस्टेंसेज इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और ऐसी सभी जो इंस्टेंस हैं ऐसी सभी जो बातें हैं इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक संबंध बनाते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मतलब धर्म और राजनीति के प्रति इनका एक संबंध बनता है ऑल दीज इंस्टेंसेस ऐसी सभी बातें रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स यानी धर्म और पॉलिटिक्स राजनीति के बीच में एक स्थापित करते हैं संबंध आइडियाज आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम रिलीजियस कैन कैन एंड परहैप्स प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स जो विचार होते हैं जो भावनाएँ होती हैं जो आदर्श होते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं है ना जो नैतिक चीज़ें होती हैं ड्रन फ्राम रिलीजन्स रिलीजियस रिलीजन्स जो धर्म से निकल के आती हैं कैन एंड परहैप्स कर प्ले अ रोल इन द पॉलिटिक्स कर सकती हैं और शायद करती ही हैं एक रोल अदा करती है एक अभिनय अदा करती हैं पॉलिटिक्स में इनका एक एक अभिन्न अहम इनकी जो है इनका रोल होता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली पॉलिटिकल एक्ट्स जो होते हैं राजनीतिक तरीके से जो नियम कानून होते हैं वो शायद गलत नहीं होते हैं एज लॉन्ग एज दे ट्रीट रिलीजन इक्वली जब तक कि वो सभी संबंधों को सभी धर्मों को इक्वल व्यवहार ना करें अब बात आती है कम्योलिज्म की कम्युनिज्म क्या कहता है कम्युलिज्म यानी साम्यवाद कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी कम्युनल पॉलिटिक्स जो होता है है ना वो इस पर बेस्ड होता है ऑन द आइडिया इस विचार पे कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस धर्म जो है मुख्य आधार है सोशल कम्युनिटी का सामाजिक जो समुदाय बनते हैं उसका मुख्य आधार धर्म है इट फॉलो दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी ये ऐसा बताता है कि पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन जो एक, एक समान धर्म को फॉलो करता है या उसको उससे बिलोंग करता है कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी वो एक ही सामाजिक जरूरी नहीं कि वो एक ही सामाजिक समुदाय को भी बिलोंग करे देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व और उनके इंटरेस्ट के नाते उनके कन्फ्लिक्ट अलग अलग होते हैं जैसे मान लिया कि आ, कुछ लोग हिंदू हैं हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं लेकिन उसमें जो मानने वाले हैं उसमें कुछ लोग हिंदू धर्म के ही लोग आ, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म को आ, सही मानते हो उसी में से कुछ लोग नक्सलिज्म को गलत मानते हो तो दे कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी सेकुलर स्टेट क्या होता है कम्युनिज्म इज़ स्टिल बिग चैलेंज है ना साम्यवाद जो है बहुत बड़ा आ, एक चैलेंज है और चुनौती है टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री किस चीज़ के लिए चुनौती है डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री मतलब साम्यवाद जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है टू डेमोक्रेसी है ना और इन आवर कंट्री इसका मतलब कमलिज्म इज स्टिल बिग चैलेंज टू डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीवाद जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है किसके लिए टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्लर स्टेट और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्कुलर इस्टेट वो बनाने वाले लोग किसको हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वाले लोग चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर इसलिए वो सेकुलर स्टेट की कल्पना करके चलते हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से वरीयता दी जाती है सेकुलरिज्म इन इंडिया देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कई लोग ये बात नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भारत में कोई केंद्रीय इस तरीके से ऑफिशियल कोई सरकारी या कह सकते कार्यालय कोई धर्म नहीं है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ़ रिलीजन और संविधान ये भी कहता है कि किसी को किसी के साथ भेदभाव उसके धर्म के आधार पर ना किया जाए भाई धार्मिक आधार पर भेदभाव होना सही नहीं है एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वेलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज एट द सेम टाइम उसी समय द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज संविधान अलाउ करता है दू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वेलिटी विद इन रिलीजियस कमटी स्टेट को रिलीजियन मैटर ऑफ रिलीजन में इंटरफियर करने का अधिकार तो है इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी जिससे कि विद इन रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में इक्वलिटी बनी रहे है ना कास्ट डिविजन इज स्पेशल टू इंडिया जिस तरह से जेंडर और रिलीजन है अगर देखा जाए उससे भी एक आगे कास्ट डिविज़न इज स्पेशल टू इंडिया जातिवाद को अलग करना जातियों को अलग करना इंडिया के लिए एक स्पेशल बात थी इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया हेरिटेटरी एगोपेशनल डिवीज़न वॉर सेंक्शन बाई रिचुअल्स जो कास्ट सिस्टम है भारत में उसमें हेरीडेट्री ऑक्यूपेशनल डिवीजन जो मतलब उनके पूर्वजों से मिले हुए जो उनके क्रियाकलाप थे जो पूर्वज उनके जिन कामों में संलग्न थे जिन कार्यों को करते थे ऑक्यूपेशनल वर्क करते थे वैक्सन बाई रिचुअल्स वो, वो कहीं ना कहीं रीति रिवाजों से ही निकला हुआ था इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउट्स स्टेट ग्रुप्स आउट कास्ट ग्रुप इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप इससे क्या मतलब निकलता है इट वॉज बेस्ड ये आधार आधारित था ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन मतलब उसे बाहर रखने के लिए और डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप क्योंकि ये एक तरीके से इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउट कास्ट ग्रुप ठीक है तो ऑक्यूपेशनल डिवीजन से ही कास्ट सिस्टम था ठीक है एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस द आउट कास्ट अच्छा जो दूसरे कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ में भेदभाव या छुआछूत की भावना रखना भी इस सिस्टम से ही निकल के आया जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीस्ट ब्राह्मण क्षत्रिया वरियर और सोल्जर वैश्य ये चार जो है वो हुआ करते थे ये चार मुख्य धर्म हुआ करते थे सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र इन सब का अलग अलग वर्क था इन सब का काम अलग था क्या था काम विद द ग्रोथ ऑफ दिस कास्ट सिस्टम ग्रेटली चेंज इन द मॉडर्न इंडिया दिस विद द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन द ओल्ड नोशन ऑफ द कास्ट हायरार्की आर स्लोली ब्रेक डाउन ग्रोथ ऑफ लिटरेसी लिटरेसी बढ़ते बढ़ते द ओल्ड नोशन ऑफ द कास्ट हायर की आर स्लोली ब्रेक डाउन जो पुराना कास्ट सिस्टम बना था वो धीरे धीरे क्या हो गया खत्म होता चला गया पॉलिटिक्स में कास्ट की कास्टिज्म जो आया पॉलिटिक्स में डेमो ये कहीं ना कहीं से रिलीजन जो कास्ट सिस्टम पुराना बना था उसके बाद आ, विद द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन जैसे जैसे लोग में मतलब एजुकेशन लिटरेसी है ना अवेयरनेस ये सब शिक्षा ज्ञान ये सब बढ़ने लगा तो जो ओल्ड कास्ट हर सिस्टम था वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स वेयर पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन द इलेक्शन अभी एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम्पल दिया है इसने आज के टाइम पे आप देख रहे हैं चारों तरफ चल रहा है मौसम इलेक्शन का और पार्टीज़ कैसे अपने कैंडिडेट को कैसे चुनती हैं किसको चुनना है तो ऐसे नहीं एटरेंडम चुन लेती हैं पार्टीज़ देखती हैं कि उस एरिया में पॉपुलेशन किस कास्ट की ज़्यादा है फिर ये देखती हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट हैं क्या उस कास्ट से डायरेक्ट रिलेटेड कोई कैंडिडेट है लेट एज्यूम कि जैसे कास्ट ए कास्ट बी कास्ट सी कास्ट डी मान लीजिए चार टाइप के कास्ट यहाँ रहते हैं जैसे आप जानते हैं उनको कि कोई चौधरी है कोई पांडे है कोई सिंह है कोई शुक्ला है कोई अलग अलग कास्ट के लोग कोई मुस्लिम है खान है तो इस तरह से वो देखते हैं कि उस एरिया में उसकी पॉपुलेशन कितनी है जिसको वो लड़ाना चाह रहे हैं किसकी सबसे ज़्यादा है कौन अपोजिशन कैंडिडेट कौन है तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी जितनी भी पार्टी हैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सारी पार्टीज़ ये चीज़ें देखती है इसीलिए देखा लिखा हुआ दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस कि जिससे हम इलेक्शन जीत सके दस कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स इसलिए कास्ट जो है पॉलिटिक्स में एक अलग ही अभिनय अदा करता है रोल अदा करता है पात्र अदा करता है एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस निगेटिव रिजल्ट लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट देंगे तो इससे निगेटिव भी आएगा एज इन द केस ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी अगर आप धर्म के क्षेत्र में बात करते हैं तो सिर्फ एक कास्ट पर टिके रहना उसकी आइडेंटिटी बना देना रिलीजन को ये कहीं से भी सही नहीं है एलोन एलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी इससे डेमोक्रेसी के लिए हल्दी चीज़ नहीं है इट कैन डाइवर्ट अटेंशन अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी और करप्शन इट कैन डाइवर्ट अटेंशन ये जो है अटेंशन को इधर से उधर आपका अटेंशन इधर से उधर कर सकता है फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज और जो छोटे छोटे आ, ए, मामले हैं उनको ध्यान में रखते हुए लाइक पॉवर्टी और करप्शन जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी और करप्शन यानी पॉलिटिक्स जो है करप्शन गरीबी इन सब का जिम्मेदार जो है वो इसी को मानेगा इसी को मानेगा तो अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम सब धर्म एक है सारे धर्म जो है एक हैं यहाँ पे लिखा हुआ है है ना नम मना हुआ है क्रिश्चियन बना सभी धर्मों का एक लिखा हुआ है कि सब धर्म एक है तो कहीं ना कहीं कास्ट को अगर हम देखें तो जितने भी कास्ट सिस्टम बनाए गए हैं वो मिल के एक धर्म ही है इसको हम सबको जानना चाहिए और आपका ये कास्ट एंड रिलीजन यहीं पे समाप्त होता है इसके नोट्स हम आपके ग्रुप पे फिर से भेज देंगे थैंक यू उसको निकाल दो हीटर को देखो हीटर लगा हुआ है क्या उससे छोटा सा